बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के लिए आईब्रो बनाना कैसा है? आईब्रो यानी आँख के ऊपर जो ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको आईब्रो कहते हैं। इसका बनाना कैसा है, इसको साइज करना कैसा है, मुकम्मल तफसील एक एक जुज आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहली बात, जेब व जीनत के शरई अहकाम, सफ़र नंबर 86 खोल कर देखिएगा, हदीस के साथ मुदल्लल मसाइल लिखे हैं, ठीक है। अब पहली बात क्या समझें, पहली बात यह है कि आम हालत में औरत के लिए आईब्रो बनाना, आईब्रो को साइज करना, उसको जो है जीनत के लिए कुछ बाल उसके काटना और उसको जो है बिल्कुल बनाकर जिस तरह आजकल बनाती हैं औरतें, बिल्कुल हराम है, ठीक है। और ऐसी औरत पे हदीस में लानत आई है। लानत कहते किसे हैं? लानत कहते हैं अल्लाह की रहमत से दूर हो जाने को, अल्लाह ताला अपनी रहमत के आगोश से दूर कर देता है, इसको कहते हैं रहमत से दूर हो जाना, जिसे लानत कहते हैं। लानत शैतान पे करते हैं, लानत शैतान पे है, इसीलिए हम इस काम से ज़रूर बचने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात कि आम आईब्रो जो मतलब आम हालत में औरत के आँख पे जो बाल होते हैं वो जितने होते हैं, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा घने हो जाएँ और बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएँ, इधर उधर भागने लगें, बहुत ज़्यादा बदनुमा देखने में लगे, देखने में बहुत चेहरा उसका बिल्कुल बिगड़ा हुआ लगे, इतना ख़राब हो जाए आईब्रो, तो फिर उसको कतर कर उसको छोटा करके जिस तरह भी हो सके उस तरह उसको साइज़ करना जायज़ है। लेकिन उतना ही साइज़ कर सकते हैं आम हालत में जिस तरह रहता है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उस नज़ीनत के लिए उसी बहाने और ज़्यादा कतर के बिल्कुल डिज़ाइन कर देना, ये तो बिल्कुल नाजायज़ हो जाएगा फिर, ठीक है, बिल्कुल नाजायज़ हो जाएगा। अब समझिए एक एक मसला कैसे हल करता हूँ आपका। उसके अलावा शौहर को खुश करने के लिए सवाल आता है कि क्या औरत अपने शौहर को खुश करने के लिए आईब्रो बना सकती है? याद रखें हदीस में आता है ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। इससे पता चलता है, साफ साफ आपको मसला बता रहा हूँ कि अगर किसी औरत का आईब्रो बिल्कुल ठीक ठाक है, अपनी जगह है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो अगर उसको और खूबसूरत करने के लिए, हुस्न के लिए, जीनत के लिए बना रही है, साइज कर रही है ताकि उसका शौहर उससे खुश हो, तो बिल्कुल नाजायज़, जायज़ ही नहीं है ये मसला। हराम काम में शौहर को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आज शौहर कहता है कि आईब्रो खुश करो जबकि आईब्रो बनाना हराम है, कल शौहर कहेगा कि मैं पीछे के रास्ते में जिमा करूँगा, वो तो हराम है, और तुम कहोगे नहीं मैं शौहर को खुश करने के लिए ये काम कर सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हराम काम में किसी की जो है वहाँ देखी नहीं जाएगी, किसी को नहीं देखा जाएगा किसको खुश करना है क्या है नहीं है, हराम काम हराम काम, चाहे वो शौहर इजाज़त दे या कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसीलिए मसला ये कहना चाहता हूँ कि शौहर अगर कहता है तब भी आईब्रो बनाना नाजायज़ है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। उसके बाद ये समझें कि आईब्रो अगर किसी की बिल्कुल मिली हुई है, इधर भी हैं कुछ बाल और इधर भी कुछ हैं दोनों आँख पे, अगर ये मिले हुए हैं, किसी के मिल गए हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है, अगर वो चाहे तो जितना आम हालत में रहता है उतना वो काट कर उसको साइज़ कर सकती है, इतनी इजाज़त है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा फिर साइज़ कर देना ये भी नाजायज़ है। बहरकैफ मैंने मसला बिल्कुल वाज़ह कर दिया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।